यार मेरे भाई, जब आप महिला का शारीरिक शोषण कर रहे थे लिव इन रह के, तो आप माता पिता नहीं दिखे थे? लिव इन रिलेशनशिप में एक महिला के शरीर का इस्तेमाल करते रहे तो बड़ा मजा आ रहा था। बच्चों का कर्म कभी कभी पिता और माता पिता भी भोगना पड़ते हैं। FIR पेज नंबर 13A1, राइट सर। इसमें पहले कहानी ये है, पहले ओरली बता देता हूँ कि ये लिविंग में रही। पहले लिविंग में रहने के बाद मैं इनका शादी करने को तैयार नहीं हुआ। हाईकोर्ट से कंडीशन ऑर्डर जारी हुआ कि अगर ये शादी के साथ लिविंग में रहे जी, तो शादी हुई। अब शादी वो वैसे ही गलत मन से हुई थी शादी दोनों की। फिर इसके बाद ये हुआ स्थिति, तो आपने महिला को इस्तेमाल किया लिविंग में? नहीं, ऐसा नहीं, इस्तेमाल हमारा हुआ। मैं थोड़ा सा बता देते हैं पहले। आपने कहा ना गलत मन से शादी हुई दोनों में। अब जब प्रेशराइज शादी होगी सर, तो मनन तो गलत हो गई होगा। आपने महिला का इस्तेमाल किया, चलो सर ऐसा मान सकते हैं। आपका डेट लॉर्डशिप, इसमें क्या हुआ, उसने 376 की जो रिपोर्ट डाली थी, उसने 376 की रिपोर्ट में मुकर गई। वो कोर्ट ने उस पर कॉग्निजेंस ले लिया, हमें 376 से बरी कर दिया और इसके खिलाफ 211 की कार्रवाई इनिशिएट हुई, इसमें उसको 10 साल की सजा भी हुई है। और फिर इसने अपना ही दबाव बनाने के लिए कि अच्छा आप कह रहे हैं हमारे तो 3 साल की सजा, मम्मी पापा भी है सब, तो क्या हो गया? माँ पिता, अरे वो फैमिली अफेयर मिलेगा ना, वहां पे नहीं मिलेगा। तो जब आप महिला के साथ उसका शारीरिक शोषण, एलिगेशन भी FIR मेरे भाई, जब आप महिला का शारीरिक शोषण कर रहे थे लिविन में रह के, तो आप माता पिता नहीं दिखे थे? नहीं सर, शोषण नहीं, कर शोषण, अच्छा नहीं, इस्तेमाल कर रहे थे या एंजॉय कर रहे थे, जो भी कहना आप कह लीजिए। अब FIR का कंटेंट पढ़ देता हूँ। मम्मी पिता की बहन, ये बात तो सही है, हमने सर मॉरली प्रश्न पूछे थे। नहीं सर, क्योंकि वो मान रहे कि शोषण कर रहे थे। अरे वो मॉरल प्रश्न है, मॉरल प्रश्न है, पेज नंबर 15, वो मॉरल प्रश्न है इसलिए पूछा था जी। पेज नंबर 20 से है, 25/12/17 से पढ़ रहा हूँ। 25/12/17 से, आवेदिका को शादी उक्त अनावेदक के साथ संपन्न हुई, जबकि शादी के बाद से अनावेदक विनोद कुमार, उसके पिता लक्ष्मण प्रसाद, उसकी माँ विद्या देवी, अनावेदक की बहन राम देवी को पिता करने लगे तथा कहने लगे कि जमात जमात के लिए शादी की थी, अब तुझे नहीं रखना। और कहने लगे कि पिता ने 10 लाख रुपये लेकर आओ, नहीं तो नहीं रखना। शादी के बाद से उक्त अनावेदक आवेदक अनावेदक को अपने साथ पोस्टिंग इलाहाबाद ले गया। उसके बाद आवेदिका को वहां से प्रताड़ करता रहा तथा प्रताड़ कर कुछ दिन बाद आवेदिका को मायके छोड़ दिया। छुट्टी आने पर 2-3 दिन बाद आवेदिका के मायके आया तो कहता है कि उक्त 10 लाख रुपए जब तक नहीं दोगी तब तक मुझे अपने घर पर नहीं जाएंगे। आवेदिका के पिता की उक्त मांग की पूर्ति करने की नहीं है, जिस कारण उक्त आवेदक ने आवेदिका को साथ रखने से मना कर दिया। नंबर 4, क्योंकि उक्त पुलिस थाना लोहरा द्वारा सुबह आवेदक न्यायालय में समक्ष विचारण के द्वारा शादी होने पर राजीनामा कर लिया था, जिस कारण अनावेदक को दोषमुक्त किया गया। उक्त दोषमुक्ति के पश्चात से अनावेदक ने आवेदिका को साथ रखने से स्पष्ट मना कर दिया, क्योंकि आवेदिका ने धारा 13 हिंदू वाद नियम के, जिसे पूरी कहानी लिखा है। एक एलिगेशन उक्त माता के ऊपर का है। इसके बाद साहब मैंने एक जजमेंट की कॉपी पेश की, इसी में लगा है A2 पेज 43। महिला पर छुट्टी गवाही देने के बाद वो आदेश हुआ, एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया लॉर्डशिप हमने 12/3/2021 को। इसमें भी बताया है कि आवेदक के परिजन के विरुद्ध झूठा दहेज का प्रकरण बनवाने की धमकी दी जा रही है। अगर इसको ये है लॉर्डशिप, मान भी लिया जाए कि हस्बैंड के और उनके बीच में वैचारिक मतभेद, लेकिन फादर मदर उनकी जो बहन है वो रहती भी नहीं, उनका कोई इस प्रकार का रोल नहीं दिख रहा लॉर्डशिप। और अगर न्यायालय में इंटेंशन देख सकती है महिला का किस तरीके, नहीं इंटेंशन तो आपका दिख रहा है सर। नहीं सर, इंटेंशन इसलिए हम हस्बैंड का नहीं बोल रहे। उस महिला का क्या दुर्गति कर दी आप लोगों ने, जिस महिला के साथ कॉम्प्रोमाइज किया, सुनिए सुनिए, महिला के साथ कॉम्प्रोमाइज किया इस उम्मीद में कि उसका वैवाहिक जीवन बन जाएगा, वो हॉस्टाइल हुई जी जी, उसको 7 साल की जेल करवा दी, और आपने ऐसे उससे कॉम्प्रोमाइज कराया जो कि इलीगल है जी जी जी, सेक्शन 28 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लाइज से। आप कहते हैं कि उस महिला का कंडक्ट देखें, उस महिला ने मात्र होस्टाइल हुई थी जिसमें आपने 7 साल की सजा कराई, और होस्टाइल इसलिए हुई जमानत भी हमने कराई लॉर्डशिप वो कोर्ट, आप तो इनिशिएट कराई और फिर पैसा भी ले लिए हमसे। लिव इन रिलेशनशिप में एक महिला के शरीर का इस्तेमाल करते रहे तो बड़ा मजा आ रहा था, आपका जनरल स्टेटमेंट था, जनरल क्वेश्चन आंसर आ गया सर, तब तो बड़ा मजा आया था सर। फादर मदर का आज बड़ी तकलीफ हो रही है कि पैसे ले लिए हमसे।
नहीं तकलीफ हमें इनकी हस्बैंड की तकलीफ भी नहीं है, वो उसको भुगतेगा, लेकिन फादर मदर का तो कुछ कोई कोई बात पूरे नहीं। ट्रायल में कोई रोल नहीं रखा। अब पूरे परिवार को लेके चलो एक साथ 498 के, चलो कम से कम एक पैनिक बना रहे पूरे परिवार में, पर हाँ वो गलत है। मैं कह रहा हूँ ठीक है वो दोषी है मान लिया, चलो उसने यूज किया उसको उसकी क्या भुगतना चाहिए, हाँ लेकिन इनका तो सब कोई रोल ही नहीं है। वो भी अनसाउंड माइंड लेडीज नहीं थी, पूरी पूरी तरीके से 18 18 प्लस लेडीज मालूम है थी। सर, फादर मदर के बारे में बोल रहा हूँ सर, मैं उसके मामले में और नहीं कह रहा हूँ, मैं तो मुझे हस्बैंड के। मालूम है कि भी महिला भी जानबूझ के समझ के रिलेशनशिप में आई थी। मैं कुछ नहीं कह रहा, आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो कि तुम क्यों आई, तो आप क्यों आए ये बात प्रश्न पूछने का अधिकार मुझे नहीं है क्या? सर एक बात अरे मैं वैसे पूछा है नहीं, मैं मान वो ना, अगर नहीं बन रही थी ना, हमें ये बड़ा आसान है दूसरे की तरफ उंगली उठा देना, पर बड़ा आसान हम भूल जाते हैं कि जब सामने वाले पे उंगली उठाते हैं तो चार उंगलियां आपकी तरफ रहती हैं। बिल्कुल सब ताली तो दोनों हाथ से बजती है। सही बात है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। इफ शी वॉज अ मेजर देन इट वॉज हर वॉलंटरी एक्ट, नो प्रॉब्लम। आप उसको क्रिटिसाइज कर रहे हो ऐसी है वैसी है, उस पर मैंने पूछा अगर वो लिव इन रिलेशनशिप में रह के बहुत बुरी थी तो आप लिव इन रिलेशनशिप में रह के कौन से सुर्ख आपके पर नहीं लगे हुए बिल्कुल थे? आप भी तो बराबर के बुरे थे, ये मैं कह रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेजर लड़की की कंसेंट नहीं हो सकती, इट इज देयर प्रेरोगेटिव। प्रॉब्लम ये है कि मर्द करे तो मर्द, और महिला अगर इन्वॉल्व हो जाए तो गलत मानी है वो बात, तो ठीक गलत। ये कौन सा न्याय है सर, सामाजिक न्याय है? बाकी जो बाराती उनको तो ना लपेटो, नाचे कुछ नहीं कुछ तो इनका कुछ ये नहीं था। भी थे। अरे यार आपका मजाक वाला क्वेश्चन था, आज मजाक ये वाला आंसर है। इनका देख लिया जाए। मैं देखता हूँ। मुझे इस बात का बुरा लगता है जी जब ताली दोनों हाथों से बजती है, या तो दोनों सही है या दोनों गलत है। एक सही एक गलत फिर नहीं हो सकता। अब इनकी गलती के चक्कर मैं में वो नहीं कह रहा, मैं वो नहीं कह रहा हूं, एक जनरल बात कर रहा हूं। शुरुआत तो हर आदमी करता है, ये बात सही। मैं कुछ नहीं कह रहा सर, मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं किसी के ऊपर भी कोई भी लांछन नहीं लगा रहा, एक भी शब्द नहीं कह रहा। जी 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 मेरा कहना है या तो दोनों सही है, लिव इन रिलेशनशिप में दोनों सही है या दोनों गलत है। एक पक्षकार दूसरे को गलत नहीं बोल सकता, ये मेरा मानना है, बस इतनी सी बात है। चल एज देख लें, एक एक बार 63 साल है पिता की, माता की 57 साल है, और बहन मैरिड है 32 साल उम्र है। बच्चों का कर्म कभी कभी पिता माता पिता भी भुगत पिता लेते हैं। चलो मैं देखता हूँ सर, मैं देखता हूँ। सर। 130